तो दोस्तों, शुक्रताल में हम घूम चुके हैं पूरा। मैंने आपको शुक्रताल घुमा दिया है, और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले लिंक मिल जाएगा। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो यही डाली थी शुक्रताल के लिए। पूरा ब्लॉक है शुक्रताल का, और ये गेट है, देखिए शुक्रताल का कितना प्यारा है। और बंदर तो भाई बहुत ज़्यादा है। तो दिल्ली की दूरी शुक्रताल से 137 किलोमीटर है, मेरठ की 72 किलोमीटर है दोस्तों, और मुजफ्फरनगर की दूरी है 28 किलोमीटर। तो दोस्तों, यहाँ पे आना बहुत ही आसान है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, बस वगैरह चलती है, रोडवेज की बस भी चलती है, प्राइवेट बस भी चलती है। मुजफ्फरनगर से डायरेक्ट शुक्रताल के लिए बस आती है, बिजनौर से भी आती है अगर आप आना चाहते हैं तो। और बहुत ही अच्छी जगह है, आप एक बार ज़रूर विजिट करना, मेरे कहने से एक बार ज़रूर करना भाई, बहुत अच्छी जगह है। एक बार आपका आने में हार्डली मुजफ्फरनगर से 1 घंटा लगता है। देखो ये बस आ रही है, ये देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आना बहुत ही आसान है, और घूमने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप पूरा शुक्रताल 2 घंटे में घूम लेंगे अच्छे से। आज ले लिया। तो ये भाई साहब थे, पीछे से आवाज़ लगाते आ रहे हैं कि मेरा भी वीडियो में ले लो भाई, फोटो ले लो। तो भाई ऐसे अल्टीमेट बंदे मिलते हैं, अच्छा लगता है यार, मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए चलते चलते। तो देखिए दोस्तों, अभी हम शुक्रताल से निकल चुके हैं, और देखो हरियाली देखो, सड़क भी बहुत अच्छी है दोस्तों, रोड की कोई दिक्कत नहीं है, रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। आप अपने वाहन से भी आना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आ सकते हैं, बिजनौर से भी और मुजफ्फरनगर से भी, इधर हरिद्वार से भी आ सकते हैं दोस्तों। हरिद्वार यहाँ से हार्डली 85 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों, अपर कैनाल रोड से इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, लगभग 15 से 16 किलोमीटर है। अपर कैनाल रोड आपको पता ही है, जो मोदीपुरम से स्टार्ट होती है और इधर जाती है हरिद्वार की ओर जाती है दोस्तों, पुरकाजी तक, रुड़की तक जाती है लगभग, मान के चलिए आप। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे आना बहुत ही आसान है, और रोड की कंडीशन आप देख ही रहे हैं, सिंगल रोड है वैसे तो, बीच में डिवाइडर नहीं है, और रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है दोस्तों, आप आसानी से आ सकते हैं बहुत ही आराम से। और 2 घंटे में, जैसे मैंने आपको बताया, 2 घंटे में आप पूरा शुक्रताल घूम लेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने के लिए शुक्रताल में। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, 4 से 5 ही स्थान है जो मेन मेन है घूमने के लिए, और सबसे अच्छी बात है कि वो एक ही जगह है, छोटा सा शहर है दोस्तों, और एक ही जगह सारे के सारे स्थान 2 किलोमीटर के एरिया में पूरा सारे स्थान है, बल्कि मैं तो बोलूँगा कि 1.5 किलोमीटर के एरिया में पूरा रेडियस में वो स्थान है। और देखिए यहाँ पे ये गेट मिलेगा आपको, वाइट टाइप का है दोस्तों, ये एक इधर से लेफ्ट साइड से रोड जा रही है, और एक ये पीछे जो जहाँ से हम आ रहे हैं शुक्रताल से, और ये सीधे जाती है मुजफ्फरनगर के लिए मोरना पोपा होते हुए। तो दोस्तों, ये मोरना आ चुका है यहाँ पे, और मोरना से शुक्रताल की दूरी महज 5 किलोमीटर है दोस्तों। तो आप मोरना इधर आसपास रहते हैं तो आप शुक्रताल में, आपने तो वैसे देखा ही होगा, लेकिन कई बार पता क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है। हम भी ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार ऐसी जगह सब घूमने चले जाएंगे, लेकिन हमारे घर से महज कितने 50-55 किलोमीटर है शुक्रताल, लेकिन आज हम पहली बार आ रहे हैं शुक्रताल घूमने के लिए, तो बस वही बात हो जाती है यार, शुक्रताल ये तो रहा यहाँ, लेकिन जाना कभी नहीं होता। तो अपनी मुर्गी को भी कुछ समझो भाई, घर की मुर्गी को दाल बराबर मत समझो। तो देखिए यहाँ से मुजफ्फरनगर 23 किलोमीटर, मेरठ 67 किलोमीटर, और हरिद्वार 71 किलोमीटर दोस्तों। तो यहाँ से आप अगर राइट साइड को मुड़ जाएंगे तो आप जा सकते हैं हरिद्वार, लक्सर होते हुए हरिद्वार निकल जाएंगे दोस्तों आप। लक्सर की यहाँ से दूरी है 42 किलोमीटर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से अगर आप राइट टर्न ले लेते हैं तो आप लक्सर होते हुए हरिद्वार चले जाएंगे, पुरकाजी लक्सर होते हुए। ये मोरना का चौक आ चुका है दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था ये आपको, जब हम मुजफ्फरनगर से शुक्रताल के लिए आए थे। ओहो, गाय बच गई। तो देखो ये बस चलती है इस तरीके की, प्राइवेट बस है दोस्तों ये, मुजफ्फरनगर से डायरेक्ट मोपा मोड़ना होते हुए ये शुक्रताल तक आती है। और रोड की कंडीशन तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी दिखा भी रहा हूँ, देख लो। और ये मंदिर देखो भाई, बड़ा प्यारा मंदिर लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है मेरे को तो। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये 4 लेन हाईवे होने वाला है, बहुत ही जल्दी बनने वाला है ये 4 लेन हाईवे, शुक्रताल से लेकर मोरना भोपा मुजफ्फरनगर बाईपास होते हुए ये थाना भवन चरथावल होते हुए जाएगा जिंजाना तक, और मिल जाएगा वहाँ पे जाके मेरठ करनाल हाईवे में। तो करनाल तक हो जाएगा ये 4 लेन, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा दोस्तों, 4 लेन हाईवे हो जाएगा, तो जाम कम लगेगा, जाम कम लगेगा तो टाइम भी बहुत कम लगेगा भाई आने के लिए यहाँ पे, तो बढ़िया हो जाएगा। और ये ट्रैक्टर देख रहे हो ना, ये शुक्रताल से आ रहे हैं भाई, हमने ये वहाँ पे भी देखा था, और ये अभी शुक्रताल से आ रहा है,
क्योंकि हमने गंगा घाट पे खड़ा हुआ देखा था और इनके लोग तब तैयार हुए थे। और उसके बाद हम वट वृक्ष वगैरह घूमे, वहाँ पे सुखदेव आश्रम में भी घूमे, उसके बाद हम आ रहे हैं और यहाँ पे हमने इसको क्रॉस कर दिया, मतलब ओवरटेक कर दिया। ट्रैक्टर की स्पीड वैसे कम भी होती है और थोड़ा आराम से भी चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, रोड बहुत अच्छी है, मैंने आपको सुकुरताल के बारे में सब कुछ बता दिया है। तीर्थ नगरी है दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही, और वहाँ पे जो नक्षत्र वाटिका है ना, वो तो भाई अमेजिंग, अगर बंदर ना हो तो भाई बहुत ही बढ़िया है बैठने के लिए, बस हाथ में सामान मत रखना अपने, नहीं तो बंदर झपट्टा मार लेते हैं भाई। तो देखिए ये आ गया है भोपा दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ा शहर पड़ता है वो भोपा है। और हमने ये सोचा था कि कुछ खा के चलेंगे रास्ते में, लेकिन अभी तक हमें कोई ढाबा वगैरह कुछ मिला नहीं है। तो मैं बोलूँगा अगर आप आ रहे हो तो सुकुरताल में तो मिल जाएगा आपको, रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह है। और ये दोस्तों ये है अपर कैनाल रोड जो आपने अभी देखा, इधर राइट साइड में आप रुड़की के लिए, रुड़की हरिद्वार के लिए चले जाएंगे, और लेफ्ट साइड में आप जा सकते हैं मुजफ्फरनगर होते हुए, मुजफ्फरनगर तो खैर सीधे हैं, मेरठ होते हुए मोदीपुरम दोस्तों। तो देखिए नज़ारा कुछ ऐसा है रोड का, बहुत ही अच्छा रोड है, प्यारा रोड है, और मौसम भी आज तो मौसम ने भाई पूरा साथ दिया है बढ़िया करके, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और बढ़िया बादल लगे रहे तो गर्मी बिल्कुल नहीं थी, घूमने में भी बढ़िया लगा बाइक पे, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी में। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंडस्ट्रीज एरिया है ये दोस्तों, मुजफ्फरनगर के हम नज़दीक पहुँच चुके हैं। देखिए ये रोड भाई, ये रोड ना मुझे जो देवबंद से रोड जाती है गंगों के लिए, ननोत्ता गंगों के लिए जो रोड जाती है दोस्तों, उसकी याद दिला रही है, बिल्कुल ऐसी रोड है, वो भी सिंगल रोड ऐसी है, टू लेन, बढ़िया वाली रोड है दोस्तों। तो देखिए बहुत ही बढ़िया नज़ारा, और बादल लगे हुए हैं, और एक बार तो बीच में ना बारिश आने लगी थी लेकिन फिर रुक गई वो बारिश। सोचा भाई ये लोग सुकुरताल घूम के आ रहे हैं तो इनको घर पहुंचने थे, उसके बाद बरसते हैं बादलों ने भी सोचा। तो अभी तो मौसम साफ सा हो गया है, थोड़ा लग नहीं रहा है कि अब बारिश आएगी, तो हम आराम से मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ना चौड़ीकरण का काम स्टार्ट भी हो गया है इस रोड का, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, और अभी भी देख लीजिए ये यहाँ पे देखो खुदाई चल रही है ये साइड में, और इसको फिर कंक्रीट बजरी डाल के इसको पक्का किया जाएगा दोस्तों। और मुजफ्फरनगर में हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा ही बचा है, मखियाली चल रहा है आई थिंक, ये जो मखियाली का हुआ इंडस्ट्रीज एरिया है दोस्तों। ये बहुत सारी कंपनी है यार, मैंने पहली बार देखा है इस रोड पे, मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए जाते हुए मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों मुजफ्फरनगर से सुकुरताल के लिए, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर देखना, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, ज़रूर देखना उसको एक बार, और सुकुरताल का पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना भाई। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और हाँ चैनल में नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हम मुजफ्फरनगर में पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा बचा है, 2-3 किलोमीटर बचा होगा। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें पूरा रोड दिखाया सुकुरताल से मोरना भोपा होते हुए मुजफ्फरनगर तक का, आपको वीडियो कैसी लगी फिर से पूछ रहा हूँ आपको वीडियो कैसी लगी भाई, कमेंट जरूर करना, आप कमेंट बहुत कम करते हो यार, बताया करो ना कम से कम, एटलीस्ट बताया करो कि भाई वीडियो कैसी थी, क्या कमी थी, क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, अच्छा लगता है भाई आप कमेंट करते हो तो हौसला मिलता है, फिर से एक वीडियो बनाने का मन करता है कि भाई अपने भाई लोगों के लिए एक वीडियो और लेके आऊँ, एक वीडियो और बनाऊँ, तो इससे अच्छा लगता है, आप कमेंट जरूर किया करना, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो भाई। तो दोस्तों हम देखिए मुजफ्फरनगर में एंट्री कर चुके हैं, मुजफ्फरनगर बाईपास के पास पहुंच चुके हैं, वैसे यहाँ से तो मुजफ्फरनगर फिर भी 2-3 किलोमीटर और आगे बढ़ता है बाईपास से। तो ये देखिए दोस्तों ये आ चुका है मुजफ्फरनगर का बाईपास NH 58, लेफ्ट साइड में मेरठ होते हुए आप दिल्ली चले जाएंगे, और राइट पुरकाजी होते हुए, रुड़की होते हुए हरिद्वार चले जाएंगे दोस्तों, देहरादून भी जा सकते हैं इसे, तो सीधे जाएंगे तो मुजफ्फरनगर में एंट्री कर जाएंगे मुजफ्फरनगर मार्केट में। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलेगा अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।